गुरुमंत्र विद दाती महाराज यूट्यूब का यह मेरा चैनल है और यूट्यूब के सभी दर्शकों को दाती महाराज का नमो नारायण। मित्रों, बड़े प्रेम से मैंने गुरुमंत्र विद दाती महाराज आपके लिए बनाया है। यदि अभी तक आपने गुरुमंत्र विद दाती महाराज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद इसको शेयर करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी होगी, आप वहां देखो, वहां एक घंटी बेल है, उस बेल को जरूर बजाएं जिससे आपको मेरा हर वीडियो नया मिलता रहे। 2018 में बहुत कुछ आपके सामने लेके आ रहा हूं। आप चाहते घर बैठे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो तो गुरुमंत्र विद दाती महाराज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें जिससे कि आपको वो सब कुछ मिले जो मैं आपको देना चाहता हूं। नमो नारायण, नमो नारायण चाहते, नमो नारायण। नमो नारायण। 17 जनवरी सन 2018 और बुधवार का दिन है। और क्या रोजगार को लेकर आप परेशान हैं या कानूनी समस्याओं का सामना करना? बीमारी आपके घर से नहीं जा रही है, आपका स्वयं का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रह रहा है या फिर डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही है या फिर दवा काम नहीं कर रही, घर में सुख शांति नहीं है, आपकी बाल बहुत झड़ रहे, इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान है आज का गुरु मंत्र। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। और हर रोज की तरह खाली इतना कहना चाहता हूँ, क्यों परेशान है, दाती महाराज आपके साथ है। इन आंखों में देखिए और इन आंखों में देखते हुए ओम शाम शनेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करी, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आज का सवाल कि दाती महाराज हमारे परिवार से बीमारी नहीं जा रही है, हमारे परिवार में हमेशा कोई न कोई सदस्य बीमार है, स्वयं की बीमारी है, स्वयं का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, क्या करें? डॉक्टर को बात समझ में नहीं आ रही कि बीमारी क्या है और डॉक्टर एक दवा काम नहीं कर रहे, हम क्या करें? यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर की बीमारी नहीं जा रही है या डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही है या फिर दवा काम नहीं कर रही है, तो किसी भी रविवार के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह एक बरगद का पत्ता तोड़ के लेकर आ जाए, उसके ऊपर एक पान का पत्ता रख, पान के पत्ता रखने के बाद जल गंगा जल पंचामृत का छींटा दीजिए, 5 गुलाब के फूल रख दीजिए, 5 गुलाब के फूलों के ऊपर 5 बतासे रख दीजिए, 5 साबुत सुपारी, 10 प्रसाद, प्रभु श्री राम का ध्यान करें। प्रभु श्री राम का ध्यान करते हुए राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, रामचरित मानस की चौपाई है, इसका 108 बार जाप करें। जाप के उपरांत इस समय सामग्री को अपने ऊपर 7 बार उसारी, किसी मंदिर चौराहे पर चुपचाप बिना बोले रख के आ जाए, दवा काम करेगी, डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी और शारीरिक मानसिक संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। न मना रहे, अब बात करते हैं बुधवार के पंचांग की। माघ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या, फिर थोड़ी देर में प्रतिपदा लग जाएगी, विक्रम संवत 2074, बुधवार का प्रातकालीन नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र चंद्रमा मकर राशि में है। और बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है फिर शादी की सालगिरह। 17 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह तो दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 17 जनवरी आपका जन्मदिन है और निजगत कर्मों की वजह से आपको जीवन में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना, जैसा कि मैंने कहा था कि रोजगार नहीं है, रोजगार को लेकर परेशानी आ रही, घर में सुख शांति नहीं है, कानूनी समस्याओं का सामना पड़ रहा है, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने में विघ्न और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, बार बार घर में घरेलू पशु मर जाते हैं, घर में आग लग जाती है, घर में अनावश्यक दुर्घटनाएं हो जाती है, तब ये उपाय आपके लिए बड़े लाभदायक रहे। शनिवार के दिन प्रातकाल नित्य कर्म नियोग स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में तिल के लड्डू बनाइए,
शुद्ध मिट्टी के पात्र में रख दीजिए, जल गंगा जल का छीटा दीजिए, सरसों का तेल का दीपक जलाई, ओम शामुशानेश्वराय नमः, इस मंत्र की पांच माला जाप करें। तत्पश्चात ये तिल के लड्डू वहां दबा दीजिए जहां हल न चला हो, न चलने की संभावना हो। यदि आपका जन्म 17 जनवरी का हुआ तो 2018 नियमित नीम का दत्वन करिएगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। कैरियर, कारोबार, परिवार संबंधी परेशानियों की मुक्ति के लिए गरीब निधन विधवा स्त्री को उड़द और नारियल का दान देना हर शनिवार को आपके लिए शुभ और कल्याणकारी रहेगा। नमो नारायण। अगला कदम सितारों की ओर, और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में। क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, आपके लिए मैं बात करूंगा बुधवार के राशि पर। सबसे पहले मेष राशि। दशम भाव से चंद्रमा गोचर कर रहा है मकर राशि में, मेष राशि वालों के लिए समय शुभ और उत्तम रहेगा। मेष राशि वालों, गणनाएं ये संकेत दे रही है कि आज मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा, सफलता आपका दामन चूमेगी। कार्य क्षेत्र में सफलता और धन लाभ के पूर्ण योग नजर आ रहे हैं। नौकरी में उन्नति का अवसर, आज मनोनुकूल स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना नजर आ रही है। भूमि, भवन और वाहन का लेने का सपना आज पूरा होगा और घर परिवार में सुख बढ़ेगा। मेष राशि वालों, सुबह से लेकर शाम तक गणनाएं आपके पक्ष में करवट ले रही है। बस एक छोटा सा बात ध्यान रखना, किसी गरीब का आज हक नहीं मारना, बाकी कहीं कोई परेशानी नहीं। क्या करें, वरिष्ठ लोगों से मेलजोल बढ़ाइए। क्या ना करें, अपनी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही ना करें, ना मनाएं। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, ग्रह गोचर थोड़ा से मध्यम नजर आ रहा है, और गोचर मध्यम है तो संयम और धैर्य से काम करें। परेशानी नहीं है, बस खाली इतनी सी बात है, आज कामकाज में संयम और धैर्य बरतना बहुत जरूरी। हाँ, वैसे धन की प्राप्ति होगी, कारोबार में अनुकूलता आएगी, कारोबार में किए गए प्रयास सफल होंगे, सरकार से लाभ मिलेगा, मन अनुकूल यात्राओं का भी योग है। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ा संतान की शिक्षा को लेकर मेहनत करनी पड़ेगी और पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ेगी, नहीं पूरी होगी। बस आय और व्यय को संतुलन बना के चले, कहीं कोई परेशानी है नहीं। क्या करें, यदि कारोबारी यात्रा करना चाहते तो कोई तकलीफ नहीं। क्या ना करें, पारिवारिक आवश्यकता को अनदेखा ना करें, ना मनन। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, गणनाओं की बात करें और गणने या संकेत देरी मिथुन राशि वालों की सावधानी अपेक्षित है। मिथुन राशि, ग्रह गोचर आपके पक्ष में करवट नहीं ले रहे और सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि नक्षत्र गणना प्रतिकूल होने की वजह से अनुकूल फलों की प्राप्ति नहीं होगी। भाग्य आपके पक्ष में करवट नहीं, महत्वपूर्ण कारोबारी लेन देन इस समय न करें तो बेहतर होगा। परिवार में वाद विवाद की संभावना, इसे बचना चाहिए, और किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, ध्यान देना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक गोचर इसी तरह का छोटा सा उपाय, श्रद्धानुसार हरा पालक या हरा चारा अपने ऊपर से 7 बार उसार कर गाय को अपने हाथ से खिलाएगा, बड़ा अच्छा रहेगा, कष्ट कम है। क्या करें, अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या न करें, कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव न करें, न मनाएं। मैं इस वृषभ मिथुन की बात करी, कर्क सिंह कन्या की बात करूं, उससे पहले बुधवार का राहुकाल और बुधवार की याद। बुधवार का राहुकाल 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, और राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया, ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। बात करते यात्रा, दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय है। मेरा कहना है कि समय और साधनों में परिवर्तन बहुत आ गया, आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, लेकिन बुधवार के दिन ओम विघ्नहर्ताय नमः इस मंत्र का जाप करते 108 हरिद्रुवा गणपति के शिव चिन्हों में अर्पित कर उसके बाद यात्रा करें, यात्रा में कष्ट कम आए। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि, ग्रह गोचर शुभ फलों को देने में समर्थ है कर्क राशि वालों। दाम्पत्य संबंधों में सुधार होगा, मित्रों के साथ आमोद और प्रमोद और मनोरंजन के क्षण मिलेंगे, ससुराल पक्ष या परिवार पक्ष सहयोग मिलेगा, व्यवसाय में धन लाभ और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। क्या करें, महत्वपूर्ण कार्य आज संपन्न करना चाहते तो गोचर ठीक है। क्या ना करें, रिश्तों के प्रति लापरवाही ना बरते, ना मना। और बात करते हैं सिंह राशि।
सिंह राशि वालों, सितारों की बात कर रहा हूं और सितारे आज प्रफुल्लता का, प्रसन्नता का, लाभ का, सफलता का पूर्ण संकेत दे रहे। आज आपको सफलता मिलेगी, आपकी अनावश्यक परेशानियों से आपसे मुक्ति मिलेगी। सामाजिक जीवन में सुयश बढ़ेगा, सास और प्राकरण में वृद्धि होगी, अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा, पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। जिस तरह के घर योगा योग है, गोचर ये संकेत दे रहे कि स्वजनों का सहयोग बड़ा अच्छा है और इससे मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। आय संबंधी समस्या का समाधान होगा, यात्रा मनोनुकूल रहेगी और शुभ समाचार प्राप्त होंगे। क्या करें, पूंजी निवेश के लिए आज का गोचर ठीक है, किसी इच्छित कार्य में पूंजी निवेश कर सकते हैं। क्या ना करें, किसी से भी कटु वचन ना बोले ना बनाए। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, परिश्रम से कार्य स्थिति में सुधार होगा। यू कह सकते हैं आज का जो मूल मंत्र है, मूल उपाय है, आपकी मेहनत और आपका परिश्रम। परिश्रम से, आपके कठिन परिश्रम और आपकी मेहनत से आपको संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और आय और व्यय में समानता बनी रहेगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। संतान संबंधी शुभ समाचार मिलने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। कारोबार में लाभ होगा और कारोबारी परेशानियों से मुक्ति। आर्थिक कोष में वृद्धि, लेकिन पेट संबंधी गड़बड़ी न हो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या करें, कला और साहित्य के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। क्या ना करें, गुप्त रूप से कोई कार्य और सौदा आज न करें। कारक सिंह कन्या की बात करी, तुला वृश्चिक धनु की बात करूं, उससे पहले वास्तु सलाह और आज का सुझाव। वास्तु सलाह, भोजन ग्रहण करते समय थाली पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर रखें और पूर्वाभिमुख होकर भोजन करें। पूर्व की ओर मुंह रखकर भोजन करेंगे तो बड़ा उत्तम माना गया है। और बात करते हैं आज के सुझाव। आज बुधवार का दिन है, मनोवांछित कार्य सफलता पाने के लिए 12 के 12 राशि के लोग नित्य कर्म नियम स्नान उपरांत अपने देवता के सामने देसी घी का दीपक जलाए, तत्पश्चात किन्नर को भोजन कराए, हरी चूड़ों का दान दीजिएगा, कष्ट नहीं आएगा, न मना रहे। तो बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, गणनाओं के हिसाब से थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा। सितारे ये संकेत दे रहे कि आज परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है कार्यशैली की वजह से। जिस तरह का आप काम करने का आपका तरीका है, आज कारोबार में परेशानी है, व्यावसायिक क्षेत्र में उठापटक है, वाद विवाद से हानि उठानी पड़ सकती है और नई योजनाएं असफल रह सकती है। आज के दिन तुला राशि वालों, अपनी वार्ता को गुप्त रखना बेहतर होगा। सुबह से लेकर शाम तक गोचर इसी तरह का छोटा सा उपाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर सफेद दूध से बनी मिठाई का भोग लगाए और मोगरे के पुष्प अर्पित करेगा, कष्ट कम आएगा। क्या करें, पारिवारिक आवश्यकता पर ध्यान दीजिए। क्या न करें, अधिकारी वर्ग से मतभेद न रखें, नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, सितारों की चाल अनुकूल है, सास और प्राकरण से इच्छित कार्य पूरे होंगे, व्यावसायिक कार्य में सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा, भाई बंधु और मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और कारोबारी यात्रा आज बड़ी अनुकूल है। धनराशि मैं जाने से पहले एक बात वृश्चिक राशि से कहना चाहता हूं कि जिस तरह के घर योगा योग है, यदि अकारण क्रोध नहीं किया वृश्चिक राशि वालों, तो सफलता आपका दामन चढ़ेगी। क्या करें, नए लोगों से संपर्क बनाना लाभप्रद रहेगा। क्या ना करें, किसी के कार्य में दखलंदाजी ना करें, न मना रहे। और अब बात करते हैं धनुराशि। धनराशि वालों, ग्रह गोचर आपको संकेत दे रहे हैं, गणनाओं का संकेत ये मिल रहा है कि वातावरण आपके पक्ष में संतुलित नजर आ रहा है, चाहे वो कारोबारी वातावरण हो, चाहे पारिवारिक वातावरण, चाहे स्वास्थ्य संबंधी वातावरण, चैन और संतोष की सांस महसूस करेंगे। गोचर कारोबार में पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। नौकरी में बॉस आपसे खुश रहेगा। मनोनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन की प्रबल संभावना। स्वजनों के सहयोग से संतान संबंधी समस्याओं का समाधान। शुभ कार्य की योजना बनेगी और ये बहुत जल्दी पूरी भी होगी। बस कार्य में जल्दबाजी नहीं करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्या करें, पारिवारिक रिश्तों को निभाना आज बहुत जरूरी है। क्या ना करें, बेवजह कारोबारी यात्रा ना करें, न मना। तुला वृश्चिक धनु की बात करें, मकर कुंभ मीन की बात करूं, उससे पहले उपाय और आज का देसी नुस्खा। आज का
यदि आप चाहते हैं कि आपके धन कोष में वृद्धि हो, आपके पास हमेशा पैसा रहे, आपका धन संबंधी मसला ठीक रहे, किसी भी माह के प्रथम शनिवार दिन अपने तिजोरी में स्वच्छ मखमल का नीला कपड़ा बिछाइए, स्वर कष्ट निवारण यंत्र उस पर स्थापित कर लीजिए, रोज धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए, साथ में ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का भी जाप करिएगा, संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। नमो नारायण। बात करते हैं नुस्को। यदि आपके बाल बहुत झड़ रहे हो, बहुत सुंदर नुस्खा बता रहा हूँ, एक चम्मच मेथी का दाना, एक चम्मच आंवले का चूर्ण 100 ग्राम नारियल के तेल में पका ले, ठंडा करने के बाद प्रतिदिन इस तेल को अपने सिर में मालिश करिएगा, बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि कि मकर राशि वालों समय शुभ है, उत्तम है, सितारों का शुभ संकेत है, कार्य क्षेत्र की रुकावटें दूर होगी, व्यवसाय आपके नियंत्रण में होगा, देश विदेश की भ्रमण की योजना से महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे, प्रतिद्वंदी भी आज प्रसन्नता के पात्र बनेंगे, मकर राशि वालों चारों ओर खुशियां, कहीं कोई परेशानी नहीं, क्या करें, जरूरतमंदों की मदद करें, क्या ना करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। नमन बात करते हैं कुंभ राशि वालों, सितारे आपके पक्ष में करवट नहीं ले रहे, आज ऐसा कोई काम नहीं करता जो मर्यादाओं के खिलाफ हो, जो कानून के दायरे में नहीं हो, ऐसा कोई कार्य कुंभ राशि वालों नहीं करना, क्योंकि पक्ष जिस तरह का ग्रहों का है आज वो आपके पक्ष में नहीं है, सितारे प्रतिकूलता का पूर्ण संकेत दे रहे हैं, कार्य व्यवसाय में असफलता मिलनी संभव है, खर्चा अधिक होगा, व्यर्थ का दोषारोपण का भय है, मानसिक और शारीरिक तनाव बढ़ेगा और कोई धोखा भी संभव, सुबह से लेकर गोचर शाम तक इसी तरह का छोटा सा उपाय, श्रद्धानुसार उड़द अपने हाथ से गाय को खिलाई या किसी विधवा स्त्री को दान में दे दीजिए। नमो नारायण। क्या करें, स्वजनों का सहयोग ले आपको भी सहयोग मिलेगा, क्या ना करें, गुप्त रूप से कोई कार्य और सौदा आज ना करें। नमो नारायण। और बात करते हैं मीन राशि, मीन राशि वालों, सितारों की चाल अनुकूल है, पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा और पारिवारिक समन्वय मन को प्रसन्नता देगा, आज पारिवारिक व्यवस्था की और थोड़ा सा ध्यान केंद्रित रखेंगे तो कहीं कोई परेशानी नहीं है, मित्रों और भाइयों के सहयोग से मनोबल ऊंचा बना रहेगा, रहन सहन का स्तर होगा, व्यापार में धनवृद्धि के अवसर मिलेंगे और देश विदेश शुभ समाचारों की प्राप्ति भी, क्या करें, लेखन और कला के क्षेत्र में प्रयास करें, क्या ना करें, अपनी वाणी से किसी को दिल न दुखाए, न मनाए, गीता 12 के 12 राशियों का राशि पर जो नक्षत्रों पर आधारित था, पुनः मेरा निवेदन, मेरे विचार है, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास, हाँ ये जरूर कहना था, तो कहीं छूट जाता है तो आप www.shanidham.in पे जाइए, या फिर मेरी फेसबुक शनि शत्रुघ्न मित्र उस पे जाइए, या फिर मेरा यूट्यूब का चैनल है दाती महाराज या गुरुमंत्र विद दाती महाराज, इस पर जाइए, संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, दाती महाराज के लिए DAATI लिखना, दाती महाराज करते ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। नमो नारायण। छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ, ब्रेक के बाद कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज जीवन में विघ्न और बाधाएं बहुत है, उसका निवारण बताऊंगा, बुधवार का जीवन मंत्र और दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। नमो नारायण। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज जीवन में परिवार में विघ्न बहुत है, शिक्षा में विघ्न बहुत है, शादीशुदा जिंदगी में विघ्न, नौकरी में विघ्न, मतलब चारों ओर जीवन विघ्नों से गिर गया है, इन विघ्नों से छुटकारा कैसे, विघ्नहर्ता गणपति की पूजा। आज तो बुधवार का दिन, आज के दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में सफेद मिश्रित पाषाण के गणपति शुद्ध पात्र में स्थापित करें, जल गंगा जल पंचामिश्र पवित्र करने बाद स्वच्छ जल से स्नान कराएं, सदाव्रत पंचपुजार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें, अपने वजन के या श्रद्धानुसार बेसन के लड्डुओं का भोग लगाइए, ओम विघ्नहर्ताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें, कच्ची हल्दी की गांठ अर्पित करें, सुदासन में बैठकर हल्दी की माला पर ओम धूम्र केतवे नमः इस मंत्र के 11 माला जाप करें, पूजा के उपरांत समस्त पूजन सामग्री कंजकों में बांट दें और उसके बाद पुनः
एक पाठ गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत करेंगे तो संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति मिलेगी नमो नारायण। अब बात करते हैं बुधवार के जीवन मंत्र। मोमबत्ती को हम सभी लोग देखते हैं, उसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मोमबत्ती जलती है, दूसरों को रोशनी देती है, परंतु स्वयं पिघलती रहती है। स्वयं अपने जीवन को नष्ट कर दूसरों के जीवन में उजाला करती है। दूसरों का भला करना, अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना, ये त्याग और वास्तव में सेवा इसी का नाम है भाई। नमो नारायण। समय है अब दर्शनों का, और दर्शनों के लिए चलते हैं दाती धाम। नमो नारायण। जय शनि देवा, हरि ओम तत् सत्, 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 जय शनि देवा। नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया, प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। गुरु मंत्र में आज इतना ही, कल पुनः गुरु मंत्र में। जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन का उपाय गुरुवार का राशिफल। भगवान श्री हरि विष्णु को कैसे मनाएं, पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे, उपाय और वास्तु सलाह लेकर आऊँगा। लेकिन आज अपनी गलती, अपने गुनाह और अपनी भूल की माफ़ी मांगते अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूँ। नमो नारायण, नमो नारायण।